अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे दोस्तों। आज के इस वीडियो में यहाँ पे आपको चेक करवा रहा हूँ ओटीपी कोड फेच करवा के, अकाउंट ओपन करवा के। यहाँ पे चेक करो, सबसे पहले अकाउंट ओपन करवा के यहाँ पे देखो, ये देखो ओपन हो चुका है, ओटीपी कोड भी काम कर रहा है। उसके बाद अकाउंट अपडेट का भी इशू सॉल्व करवाने का तरीका अगर बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर एंड्रॉयड भी देख लिया आपने कि एंड्रॉयड 11 में ये काम कर रही है। ये देखो एपीके एडिटर वाली एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ईजी पैसा जो है ना यहाँ पे ओपन करना है, ये 283 वाला। आगे आपने 283 वाले को 2 कर देना है। यहाँ पे देखो ऊपर वाली सेटिंग 8199 कर देना। उसके बाद यहाँ पे ये वाली सेटिंग कर देनी, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर देना। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आपने नाम दे देना है, ठीक है। तो आगे देखो वर्किंग होगा, इसके बाद आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ये देखो ये एप्लीकेशन बन चुकी है, इसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये देखो इसको बिल्कुल ओटीपी फैच करवा के ओपन करवा के आपको चेक करवाऊँगा। कुछ लोग कह रहे थे कि एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रही, अगर ओपन होती है तो उसके बाद अपडेट का इशू आता है। अपडेट देखो ये कुछ किसी जो मोबाइल में काम कर रही है अपडेट का, नहीं तो हर एक मोबाइल में अपडेट आ रहा है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या वर्जन लॉन्च नहीं किया गया कि अपडेट का इशू है। ये देखो ओटीपी कोड फैच होने के बाद चेक करवाऊंगा कि यहाँ पे देखो क्या आता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर देता हूँ, ये देखो जिस मोबाइल नंबर पर अकाउंट बना है, यहाँ पे देखो अकाउंट नंबर देता हूँ। ये देखो ये बिल्कुल न्यू है, इस पर जो है ना अकाउंट नहीं बना। ये देखो ओटीपी फैच हो रहा है, ठीक है। ये देखो ओटीपी फैच होने के बाद ये देखो अकाउंट ओपन हो चुका है। ये देखो कुछ लोग कह रहे थे कि ओटीपी वैलिड हो जाता है, ओटीपी काम नहीं करता। कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो ओपन ही नहीं होती एप्लीकेशन, वो मैंने चेक करवाई। उसके बाद मोबाइल एंड्रॉइड चेक कर लो, यहाँ पे देखो 11 एंड्रॉइड है, ये 100% वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा क्या कि अपडेट का इशू कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें।